दोस्तों 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। खास बात यह है कि इसे भारत में भी देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियां भी बन रही है। अगर ज्योतिषियों की माने तो 26 दिसंबर को लगने वाले ग्रहण के समय जो स्थिति बन रही है कुछ वैसी स्थिति वर्ष 1962 में बनी थी जब 7 ग्रह एक साथ थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रहण के समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन किन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए और इसकी जो प्रभाव है कौन सा राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों वीडियो को, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना बनाता रहूँगा। तो दोस्तों ये जो ग्रहण है ये धनु राशि में लगने जा रहा है जिस दौरान नक्षत्र मूल होगा। इस कारण धनु राशि और मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दूं कि ये जो ग्रहण है ये सुबह 8:17 से शुरू होगा और इसका समापन सुबह 10:57 पर होगा। अलग अलग शहरों में सूर्य ग्रहण के शुरू और समाप्ति होने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। शुद्ध काल का प्रारंभ 25 दिसंबर से ही हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें ग्रहण के समय आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों किसी भी ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले खाने पीने की सभी वस्तुओं जितने भी है उसमें तुलसी के पत्ते डालकर रख देने चाहिए। इससे खाना दूषित नहीं होता है। सूतक काल के समय छोटे बच्चों को अकेला कभी भी ना छोड़े। घर के मंदिर के दरवाजे सूर्य ग्रहण लगते ही बंद कर दिए जाते हैं। अगर मंदिर खुले में है तो भगवान की मूर्तियों पर पर्दा डाल दिया जाता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान जो है कुछ चीज़ें जो है वो पवित्र भी रहती हैं। ज्योतिष विद्या की माने तो सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है। इस दौरान बहुत से काम करना वर्जित बताया गया है। हालांकि 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग सूर्य ग्रहण के दौरान किया जा सकता है, जैसे कि तुलसी, गंगाजल, तिल, कुश और जो सूर्य ग्रहण के दौरान भी पवित्र रहते हैं। ग्रहण का सूतक काल लगते ही बुरी शक्तियाँ प्रबल हो जाती है, इसीलिए सूतक काल के समय किसी भी सुनसान जगह या शमशान के पास से आप लोग ना गुजरे। वर्ष के इस अंतिम सूर्य ग्रहण को भारत समेत नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, चीन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में इसका असर जो है वो दिखाई देगा। वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण भारत में यह सबसे बेहतर तरीके से दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 3.5 घंटे रहेगी, जबकि भारत में सूर्य ग्रहण सुबह 8:04 से शुरू हो जाएगा और 10:55 तक इसका प्रभाव जो है वो रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।